ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे महादेव, आंखें खोलिए प्रभु, कृपया मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्रभु। ये मंत्र क्या होता है प्रभु, कृपा करके बताएं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ जी। मेरे प्यारे बच्चे, मंत्र का मतलब होता है मंत्राणा करना या आह्वान करना, और भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं एवं मंत्र सच्चे भक्तों के अधीन काम करते हैं। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त सच्चे भाव से अपने ईश्वर का मंत्र जप करता है तो ईश्वर उस भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे। जय हो प्रभु, भोलेनाथ जी की जय हो, समस्त शिव परिवार की जय हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रुद्राक्ष की माला के साथ किसी भी मंत्र को जप करने में दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। रुद्राक्ष की माला से अगर कोई साधक भक्त या इंसान किसी भी मंत्र का जप करता है तो उस मंत्र का जप करने के बाद उसकी 80% ऊर्जा रुद्राक्ष की माला में रहती है, 10% उस साधक भक्त या इंसान के शरीर में रहती है और 10% ऊर्जा उस स्थान में रहती है जिस स्थान पर मंत्र जप किया गया है। तो रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं फिर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रुद्राक्ष की माला से अगर कोई भी इंसान भक्त या साधक किसी मंत्र का जप कर रहा होता है तो वहाँ पर दो पॉइंट होते हैं। एक, क्या वो साधक उस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है जिस मंत्र को वो रुद्राक्ष की माला के साथ जप कर रहा है, या फिर वो उस रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करना चाहता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि रुद्राक्ष एक यंत्र है और मंत्र अ काइंड ऑफ मोबाइल नंबर एनी ऑफ द गॉड। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रुद्राक्ष की माला से कोई मंत्र जप कर रहे होते हैं तो आपको उस वक्त ये कंफर्म क्यों होना चाहिए कि जिस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला के साथ जप कर रहे हैं आप वो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जिस रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र को जप कर रहे हैं आप उस रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जागृत करना चाहते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम में से बहुत से कम लोगों को ये पता होता है कि जो रुद्राक्ष की माला होती है उसमें जो रुद्राक्ष होता है उसमें शिवत्व होता है, मतलब वो भगवान शिव का अंश होता है। तो रुद्राक्ष की माला के साथ अगर कोई मंत्र जप किया जाता है तो वो मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। लेकिन रुद्राक्ष की माला के साथ किसी भी भक्त या साधक को मंत्र जप करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो मंत्र को सिद्ध करना चाहता है या फिर रुद्राक्ष की माला को। आपने आध्यात्मिक जगत के तीन शब्द तंत्र, मंत्र और यंत्र तो जरूर सुने होंगे। तो रुद्राक्ष की माला जहाँ एक यंत्र है वहीं मंत्र एक अलग चीज है। तो किसी भी मंत्र को जप करने से पहले जो भी साधक है या फिर जो भी भक्त है उसे अपने संकल्प में इस बात को शामिल करना बहुत जरूरी होता है कि वो जो भी मंत्र जप कर रहे हैं वो उसे सिद्ध करने के लिए मंत्र जप कर रहे हैं या फिर वो जो माला होती है उसे जप, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस वक्त साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मंत्र सिद्ध हुआ है या फिर माला सिद्ध हुई है जिस माला से वो जप कर रहा था, या फिर वो स्थान जहाँ पर उसने जप किया था वो सिद्ध हुआ है। तो किसी भी मंत्र का जप शुरू करने से पहले उसकी जो ऊर्जा होती है वो उस साधक को पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि वो माला सिद्ध कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या फिर वो स्थान सिद्ध कर रहे हैं। हालांकि जो भी साधक जब भी किसी मंत्र का जप करता है तो उसका वो मंत्र भी सिद्ध होता है, उसका शरीर भी एक तरह से ऊर्जान्वित होना शुरू हो जाता है, वो माला जो होती है वो भी ऊर्जावान हो जाती है, जिस स्थान पर वो मंत्र जप कर रहा है वो जगह भी एक तरह से ऊर्जान्वित हो जाती है। और मंत्र के सिद्ध होने के बाद जब साधक उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे उस समय बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी उसका मंत्र काम कर रहा है और कभी कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उसने मंत्र जब स्टार्ट किया था उसने उस संकल्प में ये शामिल नहीं किया था कि वो मंत्र सिद्ध करना चाहता है या फिर माला सिद्ध करना चाहता है या फिर वो उस स्थान को जागृत करना चाहता है। तो जब भी कोई पूछा लेकर उस इंसान के पास आता है तो कोई कोई इंसान ठीक हो जाता है और कोई कोई नहीं होता है। कि जो साधक होता है वो कभी कभी बिना माला के ही उस इंसान का उतारा कर रहा होता है, कभी कभी माला के साथ में कर रहा होता है, कभी कभी वो मंदिर पर बैठकर ही कर रहा होता है और कभी कभी वो पब्लिक प्लेस में कर रहा होता है। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। और जो भी साधक या भक्त जब किसी रुद्राक्ष की माला से कोई मंत्र जप कर रहा होता है तो मंत्र जप करने के लगभग 15 मिनट तक वो उस रुद्राक्ष की माला को अपने शरीर में धारण कर सकता है, और उसके बाद उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रुद्राक्ष की माला होती है वो एक तरह से शिव तत्व होता है। और 15 मिनट बाद इंसान हो सकता है शारीरिक तौर पर भले ही स्वच्छ हो लेकिन मानसिक तौर पर वो ज़्यादा देर अच्छे नहीं रह पाता है। तो जब भी उस भक्त का जो
मनोभाव होता है वो पावन रहता है, उस वक्त तक ही उसे रुद्राक्ष की माला को अपने शरीर में रहने देना चाहिए। और आध्यात्मिक लाइन में सिर्फ शारीरिक स्वच्छता ही मायने नहीं रखती है, मानसिक स्वच्छता भी ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन तो फिजिकली कर रहे होते हैं लेकिन मानसिक में उनके काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रही होती है, तो मानसिक स्वच्छता होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी भक्त साधक या इंसान कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, अपना आज्ञा चक्र जागृत करना चाहता है, ये थर्ड आई पीनियल ग्लैंड हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, कुंडलिनी जागृत करना हो गया, ये सभी आध्यात्मिक जगत के एक ही पहलू हैं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए आपको तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो भी तुम्हारे वीडियो को परिपक्व समझ के साथ देखेगा उसका भी कल्याण होगा। नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते जाप करते रहना मेरे बच्चे। जय हो प्रभु, हर हर महादेव, समस्त शिव परिवार की जय हो, ओम नमः शिवाय।